नमस्कार द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं इकरा साजिद। उत्तर भारत में बढ़ते पारे के साथ बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी से लोगों में हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है। इस साल दिल्ली में तापमान जून के महीने में करीब 47 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक का सबसे गहरा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है और साथ ही ये शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुँचाता है। देखिए हीट स्ट्रोक के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है। आज जो 47 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, इससे बचने के लिए आप पुराने सिस्टम पे जाइए। पुराने बुजुर्गों को ध्यान से देखिए, वो साफा पहनते थे, मोटा सा पगड़ बांधते थे। वो क्या था जो आज छाता आ रहा है, उससे अच्छा था वो आपकी पूरी की पूरी सर को जहाँ मैक्सिमम गर्मी लगती है, चेहरे को मैक्सिमम गर्मी लगती है, उसको कवर कर लेता है। और गर्मी यहाँ से शुरू होती है, नीचे से नहीं होती, आप भी जानते हैं। खादी के कपड़े पहनिए, पगड़ पहनिए, काफ़ी दोपहर के टाइम मत निकलिए। आपको काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि हीट स्ट्रोक नहीं होगा। हीट स्ट्रोक तभी होगा जब आप नंगे सर नंगे पैर भरी धूप में बाहर घूम रहे हैं। दूसरा, प्रकृति को देखिए। प्रकृति ने क्या अच्छा सिस्टम बनाया है कि गर्मियों में वो फल निकले हैं जिनमें मैक्सिमम पानी है, चाहे वो तरबूज हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे लीची हो, हर एक में पानी है। सो प्रकृति हैज़ ये फूल आम हो, ये पौधे, ये जो फ्रूट्स हैं, ये सिर्फ गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में नहीं आते हैं, गर्मियों में आते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स आते हैं। देखिए, प्रकृति ने खुद आपको एक रास्ता दिया है कि आप पानी वाले पौधे, पानी वाले फ्रूट्स लीजिए। मीन्स ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, आम है, लीची है, सब में पानी है। सो मीन्स ड्रिंक रीजनेबल अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट ओवर ड्रिंकिंग। ड्रिंक एज योर यूरिनरी आउटपुट इज, एज डायबिटिक है तो नेचुरली यू विल रिक्वायर मोर, डायबिटिक नहीं है तो आप यू विल रिक्वायर लेस। प्लस अपने आप को बाहर बचाइए और कोशिश करिए इस धूप के थपेड़े में 12 से 3 या 12 से 4 या 11 से 2 इसके बीच में बाहर ना निकलिए। एंड आई थिंक हीट स्ट्रोक से आप आसानी से बच सकते हैं। देखिए, क्या है कि इतनी गर्मी होने से बॉडी में पानी का जो तालमेल है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने से आदमी का जो पसीना है उसमें बदलाव आने से आदमी अपने बॉडी के तापमान को रेगुलेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से दिमाग के ऊपर असर होने लगता है और आदमी के अंदर सुस्ती आने लगती है। तो दिमागी सुस्ती, कमज़ोरी, चलने में दिक्कत होना, मसल्स में क्रैम्प्स होना, शरीर में दर्द होना, नब्ज़ का धीमा होना, ये सब निशान हैं कि आदमी को हीट स्ट्रोक होने वाला है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो जल्दी से किसी छाया वाली जगह में जाएं, उनको उचित मात्रा में नमक और पानी दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर से जो लवण पदार्थों की कमी हुई है, जो पानी की कमी हुई है, उसे पूरा किया जा सके और वो हीट स्ट्रोक से बच सके। इसके बचाव ये हैं कि आदमी जो है तेज़ गर्मी में ज़्यादा नहीं घूमे। अगर आप तेज़ गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से नमक और पानी समय समय पर लें, बिना खाए पिए बाहर नहीं जाएं, समय पे खाना खाएं। जब गर्मी में जा रहे हैं तो छाता लेकर रखें ताकि धूप का आपके शरीर के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट या प्रभाव ना पड़े। अगर आप ये सब काम करेंगे तो फिर गर्मी से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज़्यादा धूप में ना निकलें और अपने सर को बचा कर रखें। हेल्थ से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल।